हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कराची में। कल दो चार दिन से कल रात बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और मैं बारिश देख तो नहीं सका, लेकिन ये कि सुना है कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और बहुत हेल स्टोम किस्म का सीन हुआ है कराची में कुछ एरियाज़ के अंदर। क्रिकेट की बात करते हैं जी। 10 लीग कल ख़त्म हुई और बहुत ही स्मैशिंग किस्म का टूर्नामेंट हुआ है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और बहुत ही मज़ा आया, एंटरटेनिंग था 10 ओवर्स की क्रिकेट देखने में। हम भी 10 ओवर्स की क्रिकेट जो है वो अक्सर खेला करते हैं गली मोहल्ले में, ग्राउंड्स के अंदर, लेकिन ये हार्ड बॉल में फर्स्ट टाइम 10 ओवर्स की क्रिकेट हुई थी, तो बहुत मज़ा आया। प्लेयर्स जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आए इस टूर्नामेंट के अंदर। इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोकल प्लेयर्स हमारे जो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली शुएब मलिक, हसन अली, इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। फाखर जमान, आफरीदी ने लास्ट सेमीफाइनल में बहुत अच्छा मैच खेला, और कंग्रेचुलेशन टू द विनिंग टीम। ओवरऑल अगर टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त था। प्रॉस एंड कॉन्स की अगर मैं जैसे बात कर रहा था तो उसमें टेम्परमेंट जो है वो प्लेयर्स का जो है वो और कम हो जाएगा 10 ओवर्स की क्रिकेट खेलने से, क्योंकि ऑफकोर्स उनको दो दो तीन तीन ओवर कराने हैं। बैटिंग में भी यही है कि आपने स्टे तो करना नहीं है, हिटर्स का काम रह गया है। जो हिटिंग करना जानता है अच्छी, वो जीतेगा, वो विनर होगा और वही आगे टीम्स में आएगा। बाकी ये है कि जो अच्छे प्लेयर्स वैसे हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग है, पीछे से साउंड है, उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर चांस देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब वो T20 और 10 लीग तो नहीं खेल पाएंगे। इसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स में मैं एक और चीज़ देखना बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो बॉलर्स के लिए इसके अंदर कोई रूम नहीं है। बॉलर्स बेचारे बिल्कुल ही जो है ना, या तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म की बॉल कराएगा तो बॉलर बच सकता है, अदरवाइज़ उसके पास कुछ ऐसा चांस ही नहीं है बॉलिंग के लिए। बॉलर्स के लिए बड़ा जो फ्यूचर है मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है इस चीज़ के अंदर। लेकिन बैट्समैन में जो हिटर है, जो हिट कर सकता है, जिसके रिफ्लेक्शंस अच्छे हैं, जो अच्छी हिटिंग मार सकता है ग्राउंड के अंदर, फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, वही आगे जाएगा अब लड़का। आप टेक्निक और स्किल्स जो है वो थोड़ा सा पीछे, टैलेंट पीछे रह जाएगा, स्किल्स अब काम करेंगी। अगर आपके अंदर स्किल है छक्का मारने की किसी भी बॉलर को, तो आप जो है वो किसी भी टीम का पार्ट बन सकते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल टूर्नामेंट की बात थी, जो कि बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव साइन है, पाकिस्तान को इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा और लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह ये होगा और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, और टीम्स आएंगी और टूर्नामेंट में मज़ा आएगा। थोड़ा सा ये मैचेस जो है वो बहुत ज़्यादा रख दिए थे एक दिन के अंदर, तो अगर ये थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, दो तीन दिन और कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंग्रेचुलेशंस मैं करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलियन टीम को, अगेन उन्होंने रिटेन किया है अपनी एशेस को, 3-0 कर दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट। रिमार्केबल विक्ट्री की है आज ऑस्ट्रेलिया ने, 41 रन्स और एन इनिंग्स से उन्होंने मैच हराया है। स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रहा है आजकल, बेहतरीन किस्म की उसकी कैप्टेंसी है और आउटस्टैंडिंग बैटिंग है उसकी। रैंकिंग में आप देखें और उसके ओवरऑल रिकॉर्ड्स देखें, कोहली और स्मिथ में बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स को चेक करें तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में बात करूँगा कि कोहली और स्मिथ का जो कंपेरिजन करते हैं आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे नए आने वाले लड़कों के लिए जो उनके साथ खेल रहे हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि उनके साथ खेलने वाले इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी बूस्ट और मोराल हाई होता है। इंग्लैंड की टीम अब फाइट बैक कर भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एशेज तो हार चुके हैं। अब ये कि नया कैप्टन है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ प्लेयर्स भी उनके नहीं थे, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि वो आगे उन फ्यूचर में क्या होता है। बाकी ये साल जो है ओवरऑल पाकिस्तान टीम के हवाले से बहुत अच्छा रहा, चैम्पियंस ट्रॉफी हम लोग जीते, हम लोगों ने सीरीज़ भी जीती हैं, होम क्रिकेट भी वापस आई है, श्रीलंका खेल के गया है, श्रीलंका को भी हमने सीरीज़ हराई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा ईयर रहा, पॉजिटिव साइन रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी पाकिस्तान टीम जो जो टूर्स आएंगे उनमें अच्छा परफॉर्म करेगा और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रिकेट खेलें, ताकि रैंकिंग में भी ऊपर आएँ और लड़कों को भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले। मेरा कैमरा जो है वो आज काफ़ी तंग कर रहा है, विंड बहुत है, तो ये क्या फिर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो।